नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करने वाले हैं शेडिंग के बारे में। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि शेडिंग के ऊपर और से ज़्यादा वीडियो चाहिए होते हैं, क्योंकि आउटलाइन भी बहुत सारे लोग अच्छे से कर ले जा रहे हैं, तो अब उनको शेडिंग सीखनी है। तो शेडिंग के बारे में आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बात करें शेडिंग के बारे में, तो मैंने अक्सर देखा है कि ऐसी दो गलतियाँ बिगिनर हमेशा करते हैं शेडिंग में, जो कि जिसकी वजह से जो ड्राइंग है, जो एग्जैक्ट रियलिज्म पे पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंच पाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, हम लाइव क्लास करने वाले हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास मेरी नई वेबसाइट पे जो हमने बनाई है, और वो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट है सिंपली www.ankitjasmatia.com, और जो कोर्स है वो है फंडामेंटल ऑफ पोर्ट्रेट ड्राइंग, जो मैंने पहला कोर्स उस पर डाल दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कोर्स का भी लिंक है। 7 सेशन है उसमें, अब तो आप सोच सकते हो कि घंटे के 7 दिनों तक चलने वाले सेशंस हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को है, काफ़ी कुछ कवर करने को है फंडामेंटल ऑफ पोर्ट्रेट ड्राइंग में। आ जाते हैं वापस अपने इसी ट्यूटोरियल पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं शेडिंग के बारे में। तो सबसे पहली जो गलती है शेडिंग में, जो बिगनर्स अक्सर करते हैं, वो गलती है कि वो लोग जब भी शेडिंग करने जाते हैं तो किसी एक टूल पे इतने ज़्यादा वो डिपेंड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फोर्सफुली उसी टूल को बार बार यूज़ करते हैं, और उस टूल से बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं स्टूडियो में, और जो पहली गलती है, पहली मिस्टेक है, उस पर बात करेंगे। तो देखो, पेंसिल से थोड़ा शेड किया, उसके बाद इस टूल को यूज़ किया जो पेपर स्टम्प कहलाता है, और यहाँ पे जब हम स्टम्प यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारे धब्बे और स्पॉट्स नज़र आते हैं, जो कि नहीं आने चाहिए शेडिंग में खासकर। वहीं सिमिलरली जैसे आप नोज़ ड्रॉ कर रहे हो और यहाँ पर फिर से स्टम्प यूज़ करते हो, तो फिर वही धब्बे एंड ऑल दिखने लगते हैं। अब अगर आपको इससे बचना है तो इस पेपर स्टम्प को प्रॉपरली यूज़ करना आपको आना चाहिए, और कोशिश करें कि इस पर डिपेंड ना हो। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। दूसरी वो जो मिस्टेक है, उसको मैं ये बोलूँगा ये मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये है कि आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है। जब आपको ड्राइंग का एक कंसेप्ट होता है ना, जो एक थ्योरी जिस पे बेस्ड होती है ड्राइंग, या रियलिज्म, खासकर ड्राइंग भी नहीं कहूँगा, रियलिज्म, जो इस टाइप के जो पोर्ट्रेट्स हैं ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस टाइप के पोर्ट्रेट्स जो हैं ये एक पर्टिकुलर थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। मतलब इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसमें आपको वही चीज़ें करनी है जो आप, देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, आप वही चीज़ें कर सकते हो जो कि थ्योरी वाइज तरीके से चल सकती है, रियलिज्म की थ्योरी पे बेस्ड हो। तो क्या है कि लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्राइंग में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाइल को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सर्कुलिज्म है, तो कुछ जगहों पे तो सर्कुलिज्म किया, कुछ जगहों पे उन्होंने क्या किया कि क्रॉसहैचिंग का सहारा ले लिया जहाँ जैसा ईज मिल रहा है, और कुछ जगहों पे उन्होंने क्या किया कि कम्प्लीटली ब्लेंड कर दिया। बट जो होल ड्राइंग है, दैट हैज़ टू बी वेरी बैलेंस्ड वन, मतलब वो बैलेंस होनी चाहिए अपने फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी बैलेंस है इसमें। हर जगह आप देखोगे ना, कहीं ये नहीं लगेगा कि कहीं पे कुछ ज़्यादा है या कहीं पे कुछ कम है या कहीं कुछ डिफरेंट करने कर दिया गया है। इसमें रियलिज्म में खासकर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। यू हैव टू फॉलो द ओरिजिनल ड्राइंग, ठीक है, जो ओरिजिनल इमेज, सॉरी, ओरिजिनल इमेज को आपको फॉलो करना होता है एग्जैक्टली, डिट्टो, जितना ज़्यादा कर सको, जितना ज़्यादा क्लोज चले जाओ रियल के। तो यहाँ पे वही टेक्निक यूज़ की गई है। अगर सर्कुलिज्म मैंने किया है तो हर जगह सर्कुलिज्म किया है। और दूसरी चीज़ है, जब आप बिगिनर हो तो कोशिश करो कि एक ही स्टाइल पे स्टिक करो। जैसे आपने पोर्ट्रेट शुरू किया और आप मान लो क्रॉस हैचिंग टेक्निक यूज़ करना चाहते हो, तो आप क्रॉस हैचिंग ही करो पूरी ड्राइंग पे, या अगर आप सर्कुलिज्म कर रहे हो या आप स्मजिंग, कंप्लीट स्मजिंग कर रहे हो, तो वो ही करो। पूरी की पूरी ड्राइंग एक जैसी दिखनी चाहिए, खासकर बिगनिंग में। जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जाते हो, तो वहाँ पे आप टेक्निक्स को मिक्स कर सकते हो कि पहले आपने रियलिज्म किया, फिर आपने क्रॉस हैचिंग दे दी। ऐसा मैंने कई ड्राइंग में किया भी, और आपने शायद कई बार देखा भी होगा। तो वो तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू एक्सपेरिमेंटेशन। बट इनिशियली और ख़ासकर रियलिज्म में यू हैव टू अंडरस्टैंड।